दोस्तों, एसडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण की एक साल के विविध के क्वेश्चन। दोस्तों, ये उसका 13वां पार्ट है। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चलते अपने क्लास की तरफ। किस दिन से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 से किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम को पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संशोधन से पहले पंथनिरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 के पार्ट 2 में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3 में। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों को के आवंटन की सूची है? 4थी अनुसूची में। केसांग जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम राजपथ किसे जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान को। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थल स्थान को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। भारत की सीमाएं कितनी देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन सी देश हैं? 7 देशों से जुड़े हुई हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या कंचनजंगा? K2। ऑस्ट्रेलिया, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग। पर्यावरण से संबंधित, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रमण परासरण द्वारा। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ। गैंड के लिए कौन सा राष्ट्रीय पर्वत जाना जाता है? काजीरंगा गैंडों के लिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1972 में। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, वनों का काटना। पराजिनी फसल या ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। किस वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है? पलाश। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषक स्तरों के जीवन में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। पैरागोमिनियम मरुभूमि या मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। पैरागोमिनियम दक्षिण अफ्रीका में है। गुरुडोगमार झील विश्व की उच्चतम झीलों में से एक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय सामुद्रिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था? 2006 में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है? 350 गीगावाट।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? 5. ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ताप व्युत्क्रमण। रिफ फलेरी क्रांस किस समुद्र में स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। आपदाओं के तुरंत बाद सेना, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक और स्थानीय नगर पालिका को क्या कहा जाता है? आपात अभिकरण। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जेनेवा में निःशस्त्रीकरण कर सम्मेलन द्वारा कब रासायनिक हथियार कन्वेंशन को अंगीकार किया गया? 3 सितंबर 1992 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में विशेष मुद्रा का मूल्य घट जाना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 22 नवंबर 1951 को। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में। कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन सी है? क्रिसिल। अमेरिका सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल्टी क्षेत्र से। NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ में किन 5 शहरों में किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और भोपाल। आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? अर्जिमोन मैक्सिकाना सीडाइल। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार। सबसे ऊंचा वृक्ष है? सिकोइया। पाइरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। ऑटोमोबाइल्स का हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है पास्कल के नियम पर। एक्जोपथाल्मिया का क्या कारण है? विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। एक रेडियो एक्टिव तत्व परमाणु क्रमांक Z है और इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? Z+1। गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत इस वर्ग में आती हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चाइनीज पात गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रुसल्स स्प्राउट आदि सब्जियां सभी क्रूसीफेरी कुल की ब्रेसिका वंश की हैं। गांठ गोभी में भूरापन ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? बोरोन तत्व। गोभी वर्गीय सब्जियों में वी प्लेट रोग के कारण मालिबेडनम तत्व की कमी से जिसमें पत्तिये आकार में लंबे पत्ते की तरह हो जाती हैं। देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है 273.38 मिलीलीटर/टन। देश में खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान है 97.44। ये 16 से 17 के बीच में है। देश में कौन सा राज्य जिसने कैलेंडर वर्ष को ही वित्तीय वर्ष घोषित करने में देश का पहला स्थान लिया है? मध्य प्रदेश। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए इस संपदा को भारत सरकार द्वारा कब मंजूरी मिली? सैम्पडा को 3 मई 2017 को। वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से कौन सा विटामिन बचाती है? विटामिन बी
एपिजोनोम के बदलाव कर प्रदूषण के प्रभाव को लड़ने में सक्षम, वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से विटामिन बी बचाती है, दिल की तंदुरुस्ती के लिए रोज खाएं मूंगफली लगभग 85 ग्राम, मधुमक्खी के डंक एवं पोलन के इस्तेमाल से मानव में रोग दूर हो जाते हैं, कैंसर एवं एड्स। अब खेल कूद से कुछ क्वेश्चन है। जून 2017 में दोस्तों ये बहुत पुराने हो गए हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेते हैं। फुटबॉल के खेल यूरोपीय देशों में किस नाम से लोकप्रिय हैं? साकर। बटरफ्लाई शब्द तैराकी में तैराक को किस तरह तैरना पड़ता है? सिर्फ दो हाथों की क्रियाओं से। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। फुटबॉल में डेड बॉल क्या होती है? जब बॉल खेल के मैदान से बाहर चली जाए। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत डिकोडिंग से संदेश की व्याख्या। दोस्तों ये उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके और कम एग्जामों में आते हैं। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोरट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लोचार्ट कहलाता है। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णवती ने। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। रेड क्रॉस के संस्थापक थे J.H. ड्यूरांट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किस ग्रह पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी यान भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। मिसाद किस देश की खुफिया संस्था है? इजराइल की। स्टॉक फॉर क्या है? अमेरिकी सामरिक विश्लेषणों का संगठन। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी नृत्य की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI किसकी अनुशंसी कंपनी है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की। भारत में पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? अटारी से लाहौर के बीच में। चंद्रघर शर्मा गुलेरी किस मात्र एक कहानी के आधार पर श्रेष्ठ कहानीकारों की जमात में शामिल हो गए हैं? उसने कहा था विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? चित्रकूट। किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? दादा सिकोह ने। भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से विभूषित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्ला खां को। रामायण किस भाषा में लिखी ग्रंथ है? संस्कृत में। मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सोनल मान सिंह किस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की। संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखे है? वज्र भाषा में। अब इतिहास के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अभियुक्त आल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों के कौन सा मुख्य केंद्र था? नारनौल। श्रवण बेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंडा राय ने। शाहजहां के समय हुई उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था।
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से फतुहात ए आलमगिरी, जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, के लेखक थे ईश्वरदास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह ए बेखबर था, बहादुर शाह वन का? यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट ए स्मिथ की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालवाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गुप्ता शब्द का किसके लिए प्रयोग होता है? राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उसकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है? कांस्य से। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेल्सी विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलत तलवार से संबोधित किया? सरोजनी नायडू ने। वर्ष 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एनएम जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए ओ ह्यूम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण वोहरा ने। मैं एक पीढ़ी में उत्पन्न हुआ, वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? आर्नोल्ड टाइनबी का। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि के रूप में पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के दौरान कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद के स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 352। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, पर यह वोट नहीं दे सकता। इसकी प्रयुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन का अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? अनुच्छेद 13। भारत सरकार में लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता
डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस सभा के सभापति, सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। उद्देशिका में सामाजिक, पंथनिरपेक्ष, अखंडता आदि शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का शासित प्रदेश के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के प्रथम अनुसूची में। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संसद के आकलन समिति का गठन किससे होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों से। आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के अधिवेशन कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत के में संचित निधि से धर्म निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी की बुराई की गई है। बिहार में बोले जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के अधिकार किसे है? संसद को। एस्बेस्टस एक जलने वाला रिश्तेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में भारत के इसके निक्षेप पाए जाते हैं। जारवा किस राज्य की जनजाति है? निकोबार द्वीप की। पंजाब में प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल पठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? सिंधु नदी में। वुलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 2.4% भाग है जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा? 2045 ईस्वी तक। पृथ्वी के समान चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू या पेरिजी कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को अपोजी कहा जाता है। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है तथा दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। विश्वतीय निम्न वायु दाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है जिससे यहाँ निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायु दाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है लगभग 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। पर्यावरण से संबंधित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण अंश को अवशोषित करती है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रति स्थापित नहीं करते हैं? जल की सीमाओं एवं आग के कारण।
कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकेन को एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किनकी सहजीवी साहचर्य है? शैवाल और कवक। पैरागोनियम मरुभूमि स्थित है दक्षिण अमेरिका में। स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना क्या कहलाता है? निस्तारण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। किस समुद्री क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? किस समुद्री क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? रॉस सागर, जो कि अंटार्कटिका में है। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।